जैन दोस्तों, वेलकम फॉर दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम हाल ही में एक न्यू अपडेट लेके आए हैं, जो कि अभी हाल ही में एक नई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बारे में आपको बता दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक नया कदम उठाया गया है, जो कि आपको बता दें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका नाम रखा गया है, लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी एक तैयार की जाएगी, जिसमें जो है इस योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम जो कि उठाया गया है। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में यह जो है अहम भूमिका होगी। और आपको बता दें, इस डिजिटल फॉर्म में इसका जो है पूरा विस्तार किया गया। और पीएम मोदी बोले हैं कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी है, और हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूज़र, 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र, 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। और पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। इसके साथ ही भारत सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन दे रहा है, और अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग पाई हैं, और इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, आपको यह योजना कैसी लगी और इससे क्या लोगों को लाभ मिल सकता है और क्या बेनिफिट मिल सकता है, और यह आगे किस तक जो है लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार करेगी, तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको न्यूज़ कैसी लगी, प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इससे रिलेटेड आपको नई वीडियो मिलती है।